ये देखो, सॉरी बॉस, सॉरी, दिस इज माय टॉवल गाइस। जा रहे लड़ रहे हो दूसरे बंदे से, खुल का टट्टा, खुल का टट्टा ना दिखे। क्या है भाई खाने में? खाने में तो चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट है, कुछ तगड़ा दूध है यार, दूध है। अरे दूध ना भाई यार। चलो अरे भाई यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी पुट ऑन माय स्लीपर्स एंड आई विल शो यू गाइस लाइक मैं कहाँ पे स्टे किया था। गॉड डैम इट, इसको खोलना पड़ेगा ये सॉर्टर को। जय फक, यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे करके। आई नियरली फक्ड अप मैन। सो एनीवे, व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यू another day of my life. You will be like think crazy that kal ka jo location tha, yahan pe dikha deta hu. So ye purana sa structure hai yahan pe, raat ke time mein apna shelter dhoond dhoond ke aa raha tha to ye dekha, bahut khushi hua, but later on realize ki isme roof nahi tha. And I saw this shutter and taala wala kuch bhi lagaya nahi tha, to maine socha bhai iske andar main reh sakta hu. एंड अपना घर इधर बना के रखा है, एज यू कैन सी राइट देयर, सब कुछ मेरा मैस्ड अप है वहाँ पे, बट अभी ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे मेरा स्लीपिंग बैग है जो विंटर के टाइम में ये यूज़ करता हूँ इसमें सोने के, एंड देर इज़ अ स्मॉल ब्लैंकेट राइट देयर। अदरवाइज समर के टाइम में मैं अपन इसका पिलो बनाते हैं, ठीक है। एंड मेरा लिफ्ट यहाँ पे, एज यू कैन सी। सो चलो यार, एंड टेंट भी मैंने सेटअप नहीं किया था बिकॉज ऑलरेडी मैं इसके अंदर हूँ ना। सो वाई डिड आई स्टेड हेयर लाइक लिटरली, एंड नेक्स्ट इज लेट मी शो यू गाइज मेरा पावर बैंक में चार्ज कितना है। सो आज भाई इट इज जस्ट 18%, माई गुडनेस ब्रा। अरे भाई पता नहीं कहाँ चार्ज करने को मिलेगा। सो वाट इज द रीजन दैट आई वेंट इन साइड फॉर टूडे शेल्टर और यस्टरडे शेल्टर, राइट? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, परसों का टाइम आप लोगों ने अगर देखा हो तो मतलब रात में जो हाल हुआ ना मेरा, तो आप वो सोच किए कि मैंने सोचा भाई आज तो कहीं ना कहीं अच्छा जगह में ही, मतलब चार कोने पे ही सोना है और जहाँ पे छत भी हो, तो लिटरली मैंने पूरा ढूंढ के इसमें सोया। एंड अभी के लिए टाइम हुआ है 8:36, ऑब्वियसली मैं लेट उठा, बहुत सारे चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है, लाइक क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब व्हाट आई एम डूइंग, मैं मतलब किस चीज़ के लिए ट्राई आउट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ जैसे कि यूट्यूब करना है, यूट्यूब भी मतलब क्यों कर रहा हूँ, पैसे के लिए या मतलब व्हाट इज़ दिस, एम आई इंजॉइंग, घूम रहा हूँ, क्यों घूम रहा हूँ, लाइक पता नहीं भाई, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस गाइस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, इसको फिगर आउट करेंगे बाद में, है ना, आधे दिन में डेफिनेटली आई विल गेट द आंसर। बट अभी के लिए मुझे वो क्विकली पैकिंग करना है, और वहाँ पे दिख रहा है एक गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाकर मस्त फ्रेश फ्रेश होएंगे एंड रोड हिट करेंगे। अनटिल देन सी या। ऑलराइट, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मैं पैकिंग वोकिंग और गैस स्टेशन में जाकर फ्रेश भी हुआ, पानी भी लिया एकदम ठंडा सा। तो अभी का मेरा करंट लोकेशन है राजस्थान स्टेट्स का अंतेला करके ये लोकेशन है, एंड यहाँ से मुझे हेड आउट करना है दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड बनबोसा के बॉर्डर साइड होके मुझे नेपाल एंट्री करना है, एंड यहाँ से नेपाल के बॉर्डर पहुँचने के लिए 501 किलोमीटर दिखा रहा है, एंड आई हैव लाइक 9 days टू कवर दिस 501 किलोमीटर्स। आप लोगों को लग रहा है भाई 9 days क्यों, बिकॉज मैंने जो लास्ट टाइम 3 GB पर डे का जो डेटा लिया था 14 days का ड्यूरेशन के लिए, एंड जब तक मतलब डेटा वेटा कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक यहाँ से निकलेंगे नहीं ना। तो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड ऑन द वे, आज कितना किलोमीटर्स कवर कर पाएंगे वो तो पता नहीं है, बट फिर भी ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना। एंड आप लोगों ने देख लिया कि मेरा पावर बैंक में भी इतना चार्ज नहीं है, जस्ट 18% है,
that is probably sufficient for like 2 days to charge my phone. But bhai, डर तो रह नहीं सकते है ना, और फिर साफ सफाई भी करना है. अभी यात्रा के क्रम में, मतलब ये बिना पैसे के यात्रा के क्रम में प्रॉब्लम क्या आएगी, हाइजीन इज द बिगेस्ट चैलेंज. एंड मानसून के टाइम में बाहर रहना इज द बिगेस्ट चैलेंज. आपको कहीं पे चार कोने में ढूंढ कर रहना है, तो यही सारा चीज़ है. और ब्लॉग पता नहीं क्या यार, वही 100-200 व्यूज़ आता है ब्लॉग में भी, सब्सक्राइबर्स भी इतने नहीं है, वही 3,000. एंड ऑब्वियसली घर से बाहर निकले ये सारा चीज़ कर रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड माई करियर टू परस्यू इन यूट्यूब एज अ ब्लॉगर. बट लोग बोलते थे भाई ब्लॉग करना ही चाहिए, अपना डेली लाइफ दिखाओ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना. बट कोई थोड़ा अपना कंफर्ट लेवल से बाहर होकर कुछ काम भी कर रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज लाइक रेगुलर पोस्टिंग इज नॉट दैट हार्ड इफ यू हैव लाइक बिगर मोटिवेशन कमिंग. यानी कि आपको पैसा मिल रहा है मतलब ब्लॉग से, तो वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहता ही है. और मुझे तो एक्चुअली लगता है कि जिसके पास कम सब्सक्राइबर है फिर भी मतलब कुछ करने के सोच रहे और रेगुलर पोस्ट कर रहे अपना प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, वो लोग एक्चुअली हार्डवर्क कर रहे हैं. और जिसके पास सब्सक्राइबर्स है, जिसको पैसा आ रहा है, वो रेगुलर करना दैट इज जस्ट नॉर्मल, मुझे तो वही लगता है. भैया एक चना देना, ये वाला. हाँ, आप लोगों ने मेरे को चावल और रोटी खाते हुए रेयरली देखा होगा, बिकॉज अभी तो भाई पूरा यही स्नैक्स में, कभी चने लो, कभी मूंग दाल लो, कभी आलू भुजिया लो, भैंसे यही खा के सर्वाइव हो रहा हूँ यार. प्रॉब्लम क्या है ना, पैसा नहीं है. चावल खाने जाओ साला, चावल मिलता नहीं. रोटी खाने जाओ 80 रुपीज, 10 रुपीज पर पीसेस मिल रहा है ढाबे पे भी. भाई 80 रुपीज एक छाक के लिए, माय गॉड. अगर 80 रुपीज का मैं स्नैक्स खा लूँ ना, शाम और सुबह मतलब चल जाएगा, कोई नहीं. अभी के लिए मैंने ये 10 रुपये के चने लेके आया है, सो खाली पेट तो क्यों आगे बढ़े, है ना. जो कुछ खरीद सकते वो खा के आगे बढ़ना है. भाई एक कार तो रुका है वहाँ पे, सो इज दैट फॉर मी. आई वेट एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम दैट आई वेटेड ऑन द रोड साइड फॉर लिफ्ट मैन, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, माई गॉड. सो लेट्स सी. बहुत मुश्किल हो रहा है यार ये कैरी करके भागना. हेलो सर, इज दिस फॉर मी? हेलो, लिफ्ट दे रहे हो? कहाँ तक जा रहे हो आप लोग? कितना किलोमीटर? कैन यू गिव मी अ लिफ्ट? ओके, वाओ. वो पीछे खाली है क्या डिक्की? अच्छा, चलो यार, हाउ डू आई ओपन? अच्छा, ओह चल भाई तू इधर बैठ. माय गॉड ब्रो, हेलो, बात सुन. और भाई, अरे चुप है. यो भाई है नेपाल तो एक ही था. यो ठीक है, ऐसा हमने दे दी लिफ्ट. अरे यो है यूट्यूब बड़ी बात सुनेगी. मैं इस तनु कह रहा हूँ, अब भाई रास्ता बहुत लंबा है, हंसते हंसते काट देंगे. रास्ता बहुत लंबा है, हंसते हंसते काट देंगे. और फालतू बोल रहा था, इसके कारण हम लंड बैठ देंगे. Yeah.
वो कार में मैंने 162 किलोमीटर लिफ्ट लिया एंड अभी यहाँ पे उतरा हूँ। एक स्टॉल दिख रहा है, बहुत भूख लग रहा है तो इसलिए मैंने व्लॉग व्लॉग कुछ भी नहीं किया। आई वाज फीलिंग लाइक टू डीजी एंड मतलब वॉमिट जैसा भी फील हो रहा था तो इसलिए मैं एकदम शांत बैठा था। चलो यार कुछ खाते, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। अरे भाई ठोक देगा यार, गुजार आएगा जो मर जाऊंगा। पूरा लाइन में आ रहे कार्स। लेट्स गो लेट्स गो, चल 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 आओ। चलो भाई ठीक है। कितना का प्लेट है भाई? ये खत्म हो गया, कुछ नहीं है थोड़ा भी। चलो यार सही है। केला खा लेते हैं ना। ये चीज भैया 20 का दे देना। ये 40 रुपीज के जी सार आ जाएंगे है ना। ठीक है, अभी के लिए टाइम हुआ है 3:38 एंड यस चाल आए थे तो अभी मैं दो खा लूँगा और दो मे बी इवनिंग के लिए और कल मॉर्निंग के लिए रखा है। अभी केले खाने के बाद 1 किलोमीटर लगभग चल चुका हूँ एंड एक ठेला दिखा इधर, ये लोग यहाँ पे वेज बिरयानी बेच रहे थे तो 30 रुपीज़ का हाफ था, 50 रुपीज़ का फुल था तो भाई मैंने 50 रुपीज़ का ले लिया। अब ये मस्त खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो चलते चलते रात होने वाला है एंड मैंने ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स कवर किया एंड फॉर नाउ इट्स 7:00 इवनिंग। वहाँ पे एक पेट्रोल पम्प दिख रहा है, वहाँ पे पानी वानी भरने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद एज यूजल अपना शेल्टर ढूंढेंगे। बारिश का भी प्रॉब्लम है भाई, सो आई थिंक दिस इज हरियाणा स्टेट तो वो लिफ्ट लेने के बाद मैंने अभी तक एक भी लिफ्ट लिया नहीं है, जैसे ऐसे ही पैदल पैदल चल रहा हूँ। आई थिंक खाने के बाद थोड़ा बहुत ताकत आया इसलिए एंड भाई दिमाग में तो वही प्रेशर चल रहा है कि वही मतलब क्या कर रहा हूँ, क्या करना है ना, सारा चीज़ लाइक पैसा ही सब कुछ है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वही है भाई। चलो थोड़ा आगे बढ़ते, पंप आने वाला है, 2 बॉटल मस्ट चिल्ड वाटर डालेंगे और फिर शेल्टर ढूंढेंगे। यहाँ का गैस स्टेशन तो बहुत ही बिजी लग रहा है बट कोई नहीं। अब मैंने लाइक 2 बॉटल पानी एकदम भर दिया है, एक बोतल यहाँ पे, एक बोतल इसके अंदर है एंड यू कैन सी दिस टाइनी लिटल मॉस्किटोज। माय गुडनेस, अभी रात पड़ने वाला है बट मैं ऐसे ही जस्ट चिल में बैठा हूँ, लाइक लिटरली पता नहीं टेंट वेंट लगाऊँ या नहीं। भाई टेंट लगाऊँ तो भी बारिश वारिश हो जाएगा तो अगर ऐसे ही बैठा तो कहीं ना कहीं ओत्तू मिलेगा ही है ना, वही सोच रहा हूँ आज साला ये कुर्सी में सो जाऊँ क्या। इट्स 11:13 फॉर नाउ एंड मैं तो गैस स्टेशन में ही बैठा था वही चेयर में मतलब मस्त सो के, बट वहाँ के लोगों ने मुझे भगा दिए कि अभी मतलब 11 बज चुका है, अभी बंद होने का टाइम आया है, तुम अपना कहीं और देख लो। तो ऐसे बताया मैंने चुपचाप, मतलब मैंने मांगा भी नहीं कि मतलब यहाँ पे रहे हूँ या वो, मतलब वो वाइब आगे ही आ रहा था कि भाई कहीं तो चलना है मुझे। तो डे टाइम में जस्ट यहाँ से पास होते टाइम मतलब मैंने देखा था कि अगर ओके यहाँ पे भी मैं रह सकता हूँ, ऐसे प्रेडिक्ट किया था। तो अभी के लिए मैंने अपना टेंट सेटअप कर दिया है एंड यस सो आई हैव 2 बॉटल ऑफ वाटर, 2 बनानास लेफ्ट, इसको कल सुबह खाएंगे एंड अभी मैंने भाई 2 स्नैक्स खरीदे थे सो दिस इज़ द 1 मिक्स्ड 1, एक मैंने खा लिया है। अब ये खाने के बाद मस्त सोएंगे और फिर कल सुबह मैं अपना लोकेशन दिखाऊंगा आप लोगों को एंड बाहर बहुत ही ऑडियो डिस्टर्ब आ रहा होगा। यस आई एम नियर बाय द हाईवे बट यस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अंटिल देन सी यू नेक्स्ट।